India Alliance received the highest percentage of votes from Haryana, stated Congress's winning candidate from Rohtak, Dipender Singh Hudda, on Wednesday. Huda said that the Alliance got 47.6% votes in the state and Congress has got a lead in 46 assembly constituencies. He said that the result of the Lok Sabha election has made clear about how the upcoming assembly election will look like. The tenure of Haryana Legislative Assembly is scheduled to end on 3rd November 2024. चाहता हूं जिन्होंने दिल खोल के हमें आशीर्वाद दिया और एक बदलाव का उन्होंने रास्ता हरियाणा में साफ किया आज इस चुनाव में लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या इंडिया अलायंस को मिलने वाला सबसे सर्वाधिक वोट प्रतिशत अगर किसी एक प्रदेश में मिला है तो सैतालीस प्रतिशत वोट वो हरियाणा के अंदर मिला जो देश के अन्य प्रदेशों में इंडिया गठबंधन या कांग्रेस पार्टी को मिलने वाले वोट प्रतिशत से ज्यादा है ये अपने आप में एक तस्वीर बता रहा बयाँ कर रही है हमने ना सिर्फ पाँच लोकसभा सीट जीतने का काम किया लेकिन 40 विधानसभा सीटों पर भी हमारा कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिली है जो कि आने वाले समय में तीन चार महीने के बाद जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं हरियाणा में उसमें भी कांग्रेस के पक्ष में परिवर्तन आए उस बात का रास्ता साफ इससे हो रहा है और ये जो चुनाव रहे इन चुनाव में देश के लोगों को मैं नमन करता हूँ हरियाणा के लोगों को नमन करता हूँ जिन्होंने इंडिया गठबंधन का इतना साथ दिया कांग्रेस पार्टी का इतना साथ दिया आज देश में देश की राजनीति में संतुलन बनाने का काम किया देश के संविधान की रक्षा करने का काम लोगों ने किया अपनी वोट की चोट से भारतीय जनता पार्टी के अहंकार को भी तोड़ने का काम लोगों ने किया है तो लोग का हम बहुत बहुत कोटि धन्यवाद करते हैं और मैं ये कि मेरे पास नारा है इस समय प्रजातंत्र की जय हो ये प्रजातंत्र की जय है जिस बार मैं अपने लोकसभा क्षेत्रवासियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने बहुत आशीर्वाद मुझे और हर वर्ग ने और हर क्षेत्र ने मुझे इतना आशीर्वाद दिया है इतना विश्वास मुझ पर व्यक्त किया है मैं अपने लोकसभा क्षेत्रवासियों का भी बहुत बहुत, बहुत धन्यवाद करता हूँ जिस तरीके से देखिए प्रजातंत्र में आ, एक बहुत बड़ी शक्ति होती है नैतिक बल संख्या बल भाजपा का ज्यादा हो सकता है लेकिन आज के दिन इस चुनाव के बाद नैतिक बल अगर लोगों ने किसी को दिया है तो इंडिया गठबंधन को नैतिक बल देने का काम किया है और प्रजातंत्र में उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता संख्या बल भाजपा को भी कोई पूर्ण बहुमत नहीं मिला है तो ये जो भी सरकार बनेगी ये मिलीजुली सरकार ही बनेगी गठबंधन की ही सरकार बनेगी